आज का दिन वाह रे वाह, आज की कमाई वाह रे वाह, बीच पर तो आज नोटों की हरियाली छाई है। वो किसी ने कहा है ना, किस्मत हो झकास तो पैसों की हो बरसात। मुझे ये पैसे छुपा के रखने होंगे, वरना उधार मांगने वाले अपने गटर का शटर जैसा मुंह खोल के आ जाएंगे मांगने के लिए। अरे उधर देख, रुक जा। अरे ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? यू आर अंडर द अरेस्ट। अरेस्ट? मैंने अरेस्ट जैसा किया क्या? तो तेरे कुछ करने का इंतजार करते। उसमें तुम्हारे बाप का क्या? ओए, मेरे बाप पे मत जाइयो। क्या क्या है तेरे पास? चेने, अंगूठी, घड़ी और माँ भी मुझे है। देगा? आ, कोने में आजा, तुझे देता हूँ। चुप, फालतू बात करके टाइम खराब ना कराए। लठ दे मन्ना तू। मेरा फुल लोडेड है सर। कितना है? 2000 है सर। कहाँ से लूटा? अरे लूटा नहीं, ये मेरा। आंटी में क्यों दाब रखा था तने? आजकल चोरों का भरोसा नहीं, कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। डाल दिया। अरे मेरा पैसा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें जो भी सच या झूठ बोलने का है, चल के हमारे सीनियर को बोलने का। अरे मेरी कमाई है, मुझे भी दादागिरी कर रहे हो। देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगा। डीसीपी सर, ये बहुत भारी मुजरिम है, इससे कहिए खुद गाड़ी में बैठ जाए, अब इसे हम लोग नहीं उठा सकते। अरे पुलिस भूतों से बात करती है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। सुबह सुबह पी क्या है क्या? मम्मी पापा, इतने बड़े डीसीपी साहब खड़े हैं, तो जन्ना सर नहीं आ रहे? पुलिस वालों में भी छोटा रिचार्ज होता है क्या? अरे थोड़े पैसे जमा करो और वो पैसे मुझे दो, ताकि मैं इसका टॉक टाइम रिचार्ज करूं। मेरा लेवल बढ़ाओ। ये लो, बढ़ा दिया। क्या है तेरे प्रॉब्लम? मैं पुलिस में तेरी कंप्लेन करूंगा। साला तू पुलिस की कंप्लेन करेगा? रुक, तेरी रिपोर्ट मार लेता हूं। चम चंदे, इसके पास कितना माल लिखा? मात्र 2000 रुपए जनाब। 2000 रुपए लेकर खुले हम घूमते तेरे चरम में। इस पे केस बनाओ कि एक बूढ़ी औरत के 2000 रुपए लेकर भाग रहा था। चोरी नहीं, मेरे पैसे। देख मेरे को गुस्सा है ना, मैं कंचीर पे बिठाऊं नहीं तो फोड़ डालूंगा इसका। साहब क्या आदेश का पालन कर? मार क्यों रहे हो मेरे पैसे? मेरा पैसा गया, पुलिस आई, पैसा लिया और चली गई। कहीं मुझे चुना तो नहीं लगा? पुलिस की जीप तो चली गई थी, ये वापस क्यों आ रही है? कोई अंधा भी देखकर कह देगा कि ये डेढ़ फुटिया नकली पुलिस है, तुझे पता नहीं चला क्या? नकली पुलिस है? तूने इसको कुछ पैसे दिए? इस पर तो मुझे पहले से ही शक था, इतना सा 100 ग्राम का पुलिस वाला, वो भी हरे रंग की जीप लेकर आ गया था। है तो जैसे सावन के अंधों की वजह से इन टिंगुओं के धंधे टिके, तुम जैसे ना समझ और बेवकूफ लोगों की वजह से ही हम जैसे पुलिस वाले बदनाम होते हैं। अब बता, तूने इसे कितना माल दिया? मैंने इसे दिया नहीं है, इसने मेरे पैंट में हाथ डाल के ले लिया। प्रॉमिस ना? मम्मी की प्रॉमिस? गीता की प्रॉमिस सुना था, ये मम्मी की प्रॉमिस कहाँ से आ गई? हाँ ठीक है ठीक है, मम्मी की प्रॉमिस। इसने मम्मी प्रॉमिस लिया है। अब तू 2000 निकाल। 2000 नहीं, 130 थे। ये झिंगुर, तुझे 2000 दिए थे, असली पुलिस के सामने नकली पुलिस झूठ बोल रहा है। असली पुलिस आ गई है। असली पुलिस मतलब ये भी नकली थी? सुरा, धर्मा की नाव बहुत पुरानी हो गई है, उसे एक नई बना के देते। पहले उसका घर बनाएंगे, पैसा बचेगा तो उससे हम धर्मा क्या बाकियों के लिए भी बोट बना देंगे। सूरा, सूरा, पूर्णिमा कॉलेज से अब तक घर नहीं लौटी है और सुबह से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जवान बेटी, अगर घर ना आए तो माँ बाप की जान निकल जाती है, पर तू घबरा मत, उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तू मेरे पैसे लेकर नहीं आया तो मेरे आदमी एक एक करके उसे नोच खाएंगे। मेरे 15 आदमी तैयार बैठे हैं, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, समझ गया तू? एड्रेस भेज, मैं अभी पैसे लेके आता।
सर आपके घर में किसी ने बॉम्ब रखा है, वो किसी भी समय फट सकता है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, यहाँ कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है। नहीं सर, जिसका फोन आया था वो बहुत यकीन से कह रहा था। चलिए चलिए आप लोग निकलिए। मैडम आप भी प्लीज, चलिए चलिए जल्दी करिए। सर आप भी प्लीज। सर बॉम्ब नहीं मिला, दूसरे रूम में चेक करते हैं। क्या देखता है बे? मैंने एक रुपए के सिक्के का एक कॉल किया और करोड़ों रुपए की सेविंग कर ली। बाय बाय। सॉरी सर, हम लोगों ने हर जगह तलाश किया, बॉम्ब कहीं भी नहीं है। मैंने कहा था ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन तुमने नहीं सुनी, मुझे बोलने तक नहीं दिया। पागलों की तरह मेरे घर में घुस आए और जबरदस्ती तोड़फोड़ की। आप पता, घर की तलाशी लेते वक्त किसी ने चोरी कर ली हो, अंदर बहुत सारे पैसे पड़े थे। जाओ जाकर चेक करो उस आदमी के सूटकेस में क्या है। हे विसर, बैग में क्या है? जवाब दो, बैग में क्या है? खाली है सर। वो झूठ बोल रहा है, बैग खोल कर चेक करो। सर मुझे डाउट है कि इसके बैग में बॉम्ब है, बॉम्ब स्क्वाड को बोलना पड़ेगा चेक करने के लिए। अरे कुछ बताओगे भी क्या मिला? बॉम्ब था कि नहीं? क्या है उसमें? बाल है सर। ये क्या है? आ, बाल वाला, बाल वाला। विग बेचते हो? दिखने में तो तुम सेल्समैन बिल्कुल नहीं लगते। सर खानदानी सेल्समैन हूँ, ये एकदम इम्पोर्टेड बाल है और ये ड्रेस भी इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड माल बेचता हूँ ना इसलिए। ये समुद्र के रास्ते से आई है, पहले मुंबई आई थी उसके बाद में चेन्नई आई। बहुत कीमती है सर, हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि सिर्फ अमीर औरतें ही इसे खरीदती हैं, लेकिन आपने तो बॉम्ब की खबर सुनाकर सारा धंधा ही मंदा कर दिया। अच्छा ये लड़की कौन है? मेरी असिस्टेंट है सर, ये लेडीज की विग है ना इसलिए लेडी असिस्टेंट। अंकल सर, अगर मैं आपके घर आपकी वाइफ को विग बेचने आऊँ और गलती से उन्हें छू लूँ तो होएगा ना लोचा? इसीलिए लेडी असिस्टेंट अंदर है ना। ठीक है सामान उठाओ निकलो। ओके सर। सॉरी सर, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तकलीफ के लिए माफी चाहता। अरे जाओ यहाँ से, कुछ भी बकता है। चलो। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कहावत तो तूने सुनी होगी। थैंक्स बोल, आज तेरे को दिखा भी दिया। तेरी तो शांत, बीपी हाई हो जाएगा। मुझसे पैसा वापस लेना तो छोड़, तुझे बैग से विक का एक बाल उखाड़ने ना दो। भूल जा बे, हम सारे घर वहीं बनाएंगे और गृह प्रवेश करेंगे, तू भी अपने चमचों के साथ आना और चाट चाट कर खाना। हाँ सही कहा सर, चाट चाट के ही खाते। आई लाइक यू। जो हुआ वो क्यों हुआ, मुझे किडनैप क्यों किया समझ में ही नहीं आया, लेकिन एक बात तो है, वो सारे के सारे चमचे एकदम इडियट्स थे। क्यों? उन्हें ना मेरे पापा से फिरौती के पैसे मांगने चाहिए थे। बेचारे, तुम तो पहले से ही गरीब हो ना, फिर तुम कैसे देते वो पैसे? सूटकेस दिया, वो भी विग से भरा हुआ। वैसे इतने दिन कहाँ गायब थे तुम? नई कार, कॉस्ट्यूम, एकदम अमीर बन गए तुम तो, ये सब हुआ कैसे? फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। ओके ओके। पता है जब उन्होंने फोन पर धमकी दी थी ना, तो मैं सच में बहुत डर गई थी। फिर तुम तूफान की तरह वहां पर आए और मुझे फूल की तरह आराम से अपने साथ ले आए, मैं तो फ्लैट हो गई। दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए हीरो की तरह हो, लेकिन मेरा वाला रियल हीरो है।
उसमें गड्ढा था, गड्ढे से निकलने के लिए सीढ़ी लाए। रुक, एक बात बता, पुलिस वाले क्या तुझे बेवकूफ लगते हैं? मैंने ऐसा कब कहा सर? मुंह बंद कर। उस रात जब तू सीढ़ी लगा के चोरी कर रहा था, तब हमने सुरा की वजह से तुझे छोड़ा था, वरना तेरा अभी तक सूचा होता। सर जी, सुबह सुबह मेरी खोपड़ी मत खराब करो। हाँ, आपको मैं चोर लगता हूँ क्या? अगर मेरे हाथ में सीढ़ी है तो मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो सुनो, कितने अपराधी थे आपके साथ? दो लोग। लुंगी वाला भाग गया। मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इसका एनकाउंटर करना है, हम उसे पकड़ने जाते हैं। ये गुंडा भागना नहीं चाहिए, अगर ये भागा तो हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे, समझ गया? चल भागे, जल्दी जल्दी आना। ये करीब क्यों आ रहा है? आसमान से गिरा खजूर पे लटका, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मुझ पे नजर रखेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी खुद की नजर कमजोर है, कैसे रखूंगा? तो आप उनको घूर घूर के क्या को देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बड़ी मूंछ वाले एक बंदे को मैंने देखा था टीवी में या पिक्चर में, इसलिए थोड़ा। अपन को जानता है तू? सवा तीन मर्डर कर चुका हूँ। सवा तीन? लो, बच गई सपेरे की बीन। छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी और मेरी एक चीज सेम टू सेम है। कौन सी चीज? ये आपका जो टुंडा है और मेरा टुंडा, दोनों सेम टू सेम है ना। मेरे टुंडे वाले जोक पे सड़ावा मुंह बना रहा है। सीढ़ी को हाथ में पकड़ है? और अपन के पीछू पीछू। पीछू पीछू कहाँ ले जाएगा?